प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल एंड कॉलेज स्टडी पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके 10th क्लास के अंदर हिंदी के जो सिलेबस के अंदर आपकी छठी पोएम है, यह दंतरित मुस्कान फसल। और इसके जो लेखक हैं वो नागार्जुन जी हैं, और उन्होंने ये कविता लिखी है। और इस कविता से रिलेटेड जितने भी एक नंबर वाले ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं हम उनको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी आने की संभावना आपकी बार बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 20 या 25 नंबर के छोटे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी कम से कम 20 नंबर से तो कम आएंगे नहीं, तो उनकी आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी लेसन को आपको इस चैनल पर स्कूल एंड कॉलेज स्टडी पर आपको सभी वीडियो वो है उपलब्ध होगी, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइएगा, ज़्यादा देर न करते हुए हम आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और पहला आपका क्वेश्चन है वो ये है कि यह दंतरित मुस्कान कविता किसकी रचना है। तो नागा अर्जुन जी की ये रचना है। दंतरित मुस्कान किसकी है? तो कवि ने नन्हे से बच्चे की दंतरित मुस्कान का वर्णन किया है, कि जो दंतरित मुस्कान है वो नन्हे छोटे से बच्चे की है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे का शरीर किससे भरा हुआ है? तो धूल मिट्टी से, यानी कि बच्चा क्या हम देखते हैं कि धूल मिट्टी में यानी कि बाहर खेलता है तो वो धूल मिट्टी से भर जाता है, तो वही यहाँ बताया गया है। कभी कभी की झोंपड़ी में बच्चा किस रूप में है? कमल के फूल के रूप में है। बच्चे से शरीर के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं लगे थे? तो सोफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे बच्चा कवि की ओर किस प्रकार देखता रहा था? तो बिना पलक झपकाए। नैना सा बच्चा किसे नहीं पहचान पा रहा था? तो कवि को नहीं पहचान पा रहा था, कि कवि को ना आपने ये कविता पढ़ी होगी तो वह आपने अच्छी तरीके देखा होगा, यह हम सिर्फ ऑप्शन टाइप कर रहे हैं। तो अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है वो भी हम वीडियो लेक्चर देख करके आएंगे, तो एक बार ये ऑप्शन टाइप आप देख लीजिए। दही घी शहद जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है उसे कविता में कहा गया है मधु परक, इसे कहा गया है। कवि को बच्चे की मधुर मुस्कान से किसने परिचित कराया है? तो पत्नी ने। कवि ने स्वयं को क्या माना है? चिर प्रवासी माना है। क्वेश्चन नंबर 10 में का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है जलजात का अर्थ है, तो जलजात का अर्थ है कमल, और इत्र से अभिप्राय है दूसरा, यहाँ इत्र से अभिप्राय है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 कि नागार्जुन ने कविता में किस छंद का प्रयोग किया है? तो ये अदुकांत छंद का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है कि दंतरित मुस्कान में कवि के ध्वन्याकर्षण का केंद्र है, तो ये है आपका कवि का नैना बच्चा। अगला क्वेश्चन आपका कि दंतरित मुस्कान में कौन सा काव्य रस का नाम लिखिए? तो वो वात्सल्य रस है, क्योंकि जो माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो भाव होता है उसे वात्सल्य रस यानी कि भाव यानी कि वात्सल्य रस है। तो यह दंतरित मुस्कान कविता में माँ की उंगलियां क्या कराती रही? तो इसका राइट आंसर है मधुपरक। अगला क्वेश्चन है कि परस पाकर में अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास, क्योंकि पै पै की बार बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कठिन पाषाण पिघल कर क्या बन गया होगा? तो जल बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि फसल कविता किसकी रचना है? तो यहाँ देख लेंगे जो फसल कविता किसकी रचना है, ये नागार्जुन जी की रचना ही आपके सिलेबस में की बार दो है। ये फसल के लिए जादू का काम कौन करता है? नदियों का पानी फसल के लिए जादू का काम करता है। नदियों का पानी फसल को क्या देता है? तो ये आपको जीवन देता है। फसल किन के हाथों के स्पर्श की गरिमा है? तो इंसान के हाथों की, इंसान ही फसल उगाता है, आपको पता ही है। तो अगला क्वेश्चन आपका कि संदली से क्या अभिप्राय है? चंदन चंदन की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा फसल को क्या सिखाती है? थिरकना सिखाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फसल कितनी नदियों का जादू है? तो ढेर सारी नदियों का जादू है। अगला आपका क्वेश्चन है कि फसल कविता की भाषा की विशिष्टता है, तो साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। फसल किसका रूपांतरण है? तो सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे थे? तो सोफालिका के, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपका कि नागार्जुन कृत कविता का नाम है फसल। दंतवृत्त मुस्कान मुख कर पाषाण के क्या बनाने की बात कवि ने कही है, तो ये जल। फसल किसके स्पर्श की महिमा है, तो हाथों की। अगला क्वेश्चन है कि फसल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है, करोड़ों। अगला आपका क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे थे, तो ये कौन से फूल जुड़ने लगे थे, शेफालिका के। बहुत बार पूछा गया, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन कृत कविता का नाम है, तो यह दंतवृत्त मुस्कान। और अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35, यह दंतवृत्त मुस्कान कविता में माँ की उंगलियाँ क्या करती है, मधुपरक। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। फसल को किस किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है, तो हवा का, थिरकन का। बच्चे की दंतवृत्त मुस्कान में किसके जान डाल देती है, मृतक के। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है, तो कवि है। फसल किसके स्पर्श की महिमा है, तो हाथों के स्पर्श की महिमा है। झोपड़ी में खिल रहे जलजात का अर्थ है धूली धूसर गात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि फसल में किसकी प्रधानता है, तो प्रकृति की प्रधानता है। कवि ने फसल में क्या क्या पाया, तो नदियों का पानी में जादू, यानी कि नदियों के पानी में जादू है ये पाया। मधुपरक शब्द का अर्थ यहाँ क्या है, तो पंचामृत, पंचामृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे के वीडियो लेक्चर में हम अगले लेसन की जो ऑप्शन टाइप उसके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आपके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। धन्यवाद।